अभी चौथा सूत्र, आज का आखिरी सूत्र। भागवत जी कहते हैं कि सुबह का जीवन आपका जब शुरू होता है, दिन का जीवन आपका शुरू होता है, माने आप जब सोकर उठते हैं तभी से आपका दिन शुरू होता है, तो दिन की शुरुआत में सबसे पहले पानी पिए। दिन की शुरुआत में सबसे पहले पानी पिए, माने सुबह उठते ही पानी पिए, यह है मतलब कहने का। दिन की शुरुआत में सबसे पहले पानी पिए, माने सुबह उठते ही पानी पिए। आयुर्वेद के विभिन्न चिकित्सकों ने और वैद्यों ने इसको कहा उषापान करें। उषापान माने सुबह उठते ही पानी पीना, सबसे पहले पानी पीना, दांत धोए बिना पानी पीना, मुंह धोए बिना पानी पीना, कुल्ला किए बिना पानी पीना। अगर आप सुबह उठते ही बिना मुंह धोए पानी नहीं पी सकते तो रात को कुल्ला करके सोइए, दांत साफ करके सोइए, दंत मंजन करके सोइए, दातुन करके सोइए, उठते ही पानी पीजिए। क्यों? कारण पूछिए। कारण उसका यह है कि रात भर जब आप सो रहे थे तो शरीर की सारी क्रियाएं तो शिथिल हो जाती हैं, लेकिन ये लार बनने की क्रिया ज्यादा शिथिल नहीं होती, ये चालू रहती है। तो रात भर आपने लार बनाई है, मुंह में जगह जगह जमा है, वो अंदर जाना बहुत जरूरी है क्योंकि वो बेशकीमती है। भागवत जी कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त की जो लार होती है वो बाकी 24 घंटों में सबसे ज्यादा कीमती है। तो सुबह सुबह जो लार बन रही है ये अंदर जानी ही चाहिए, इसलिए बिना कुल्ला किए पानी पीने का नियम है, इसी को उषापान कहा जाता है। तो सुबह उठते ही पानी पिए। कितना पिए जी? तो उन्होंने 1 से 1.25 लीटर का कैलकुलेशन दिया वयस्कों के लिए, वयस्क माने 18 से 60 साल, 1 से 1.25 लीटर, और 18 से नीचे वाले जो लोग हैं उनके लिए 0.25 लीटर माने 750 ग्राम, और 60 के ऊपर वालों के लिए भी 750 ग्राम, 750 ग्राम, 750 ग्राम माने कम से कम 2 गिलास बुजुर्गों के लिए, 2 गिलास बच्चों के लिए, और 3 गिलास आपके उम्र के लोगों के लिए। कम से कम इतना पानी पिए। पीने का तरीका मैंने बता दिया, वो घूट घूट सिप सिप करके ही पीना है, मुंह में घुमा घुमा के पानी पीना है।